तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ओरियो बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। एक हम ओरियो बॉल काट के देखेंगे। ये देखिए हमारी जो फिलिंग है वो भी बिल्कुल अच्छे से इसमें दिख रही है आपको। बहुत टेस्टी बने हैं खाने में भी। और इसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही नई तरह की मिठाई, जिसे बनाना बहुत आसान है और सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट से वो बन जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। ओरियो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ओरियो बिस्किट। ये इस तरह से हमने एक फैमिली पैक ले लिया है और इसमें से दो पैकेट मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, आप तीन पैकेट हैं इसमें और एक पैकेट हम रख देंगे, दो पैकेट हम यूज़ करेंगे। अभी हम इनको खोल लेते हैं, पैकेट खोल के, और जो बिस्किट हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ हमने दोनों पैकेट के बिस्किट जो थे वो हमने सारे निकाल लिए हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से अलग कर देना है, और इनकी जो क्रीम है वो हमें निकाल करके और एक अलग बाउल में ले लेनी है। और इसी तरीके से सारी क्रीम हम अलग कर देंगे इन बिस्किट्स में से। तो यहाँ हमने सारे बिस्किट में से क्रीम निकाल के अलग कर दी है। इसे हम एक तरफ रखते हैं, इसे भी हम यूज़ करने वाले हैं, तो अभी एक साइड में इसे रख देते हैं। और अब लेते हैं हम एक मिक्सर का ग्राइंडिंग जार, और इसमें हम सारे बिस्किट डाल देंगे और इन्हें हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ हमने ओरियो बिस्किट को पीस के तैयार कर लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। तो अभी हम इसे करते हैं एक बाउल में ट्रांसफ़र। पाउडर को हमने एक बाउल में निकाल लिया है, और अभी हम लेंगे तीन बड़े चम्मच यानी 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क, और हम इसे मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ कंडेंस्ड मिल्क हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें, और अभी हमें ये देखना है कि ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये एक शेप में होल्ड हो रहा है या नहीं। ये देखिए, एक शेप में होल्ड हो रहा है, यानी हमारे हाथों में हम इसे बॉल बनाकर रखें तो बॉल बन रही है इजीली। और यदि आपको कंडेंस मिल्क कम लगता है तो आप थोड़ा और ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप मात्रा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये शेप में होल्ड होना चाहिए, इतनी मात्रा में आपको लेना है। तो अभी हम इस मिक्सचर को रखते हैं एक तरफ, और जो क्रीम हमने निकाल रखी थी बिस्किट से ये हम ले लेते हैं, और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अभी हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच कटी हुई पिस्ता और बादाम, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये हमारे जो ओरियो बॉल्स बनने वाले हैं उसकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम सामग्री में आपके ओरियो बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगे। यदि आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। तो ये हमारी फिलिंग रेडी है, इसे अब एक तरफ रख देते हैं हम। और ये जो हमारा मिक्सचर है तैयार है, इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार करेंगे। और इस टाइम पे आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो हम इसमें 2 चम्मच दूध मिलाएंगे। तो अभी यहाँ हमने ये थोड़ा दूध ले लिया है, और आवश्यकता के अनुसार ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ 3 चम्मच दूध अभी मैंने मिक्स कर दिया है इसमें, और अभी अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। हमें इसे एक डो फॉर्म में लाना है।
तो यहाँ हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। सिर्फ 3 चम्मच दूध हमने इसमें डाला था, और यदि आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप पूरी तरह से इसमें दूध डाल सकते हैं, दूध से ही इसका डो बना सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हाथों को चिकना कर लीजिए, चिकना करके और उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स हम बनाएंगे इसके, और इसको इस तरीके से बीच में थोड़ा सा इसमें गैप बना करके, और छोटी सी गोली इसकी जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसकी इसमें रखेंगे, और फिर धीरे धीरे इसे पैक कर देंगे। ये देखिए पैक हो गया, और अभी इसे फिर से हम गोल कर देंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। ऐसे ही हम सारे तैयार करेंगे बॉल्स। आप चाहें तो इस तरीके से बॉल्स बना करके और इसको हाथों से पहले चपटा कर दीजिए, इस तरह से फैला लीजिए, और उसके बाद हम इसमें इसकी फिलिंग भरेंगे और इसको कवर करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और फिर इसे रोल कर दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ हमारे सारे ओरियो बॉल्स बनके तैयार हैं। अभी हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। फ्रेंड्स, जब तक हमारे ओरियो बॉल्स सेट होते हैं फ्रिज में, तब तक हम हमारी अगली प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले ली है 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट, और यहाँ मैंने ले ली है 1/4 कप मिल्क चॉकलेट। तो अभी हम इसे मेल्ट करेंगे, और यदि ये दोनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इनकी जगह आप चॉकलेट काम में ले सकते हैं, यानी व्हाइट चॉकलेट की जगह आप मिल्की बार जो चॉकलेट आती है उसे मेल्ट करके काम में लीजिए, और मिल्क चॉकलेट की जगह आप डेयरी मिल्क काम में ले सकते हैं। तो अभी हम इसे मेल्ट कर देते हैं। आप इनको मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर, यानी कि आप नीचे एक बर्तन ले लीजिए, उसमें गर्म पानी लीजिए और उसके ऊपर इसे रख के और मेल्ट कीजिए, और या फिर आप माइक्रोवेव में 20-20 सेकंड करके इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो हमने दोनों चॉकलेट मेल्ट कर ली है अच्छे तरीके से, ये देखिए, और हमारे जो ओरियो बॉल्स हैं वो भी अच्छे से सेट हो चुके हैं, ये देखिए। तो अभी हमें क्या करना है कि एक फोक ले लीजिए आप, और एक एक ओरियो बॉल को इस तरीके से आप इसमें डिप कीजिए चॉकलेट में अच्छे से कोट करके, और फिर इसे हम इस फोक में ले लेंगे, और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है वो अपने आप इसमें रह जाएगी, और इसे हम दूसरी प्लेट में ले लेंगे, दूसरा भी इसी तरीके से हम कोट करके और प्लेट में ले लेंगे, अच्छे से चॉकलेट में कवर कर लीजिए इसे, और फिर दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे हम इसे, और इसी तरीके से सारे जो ओरियो बॉल्स हैं हम दोनों तरह की चॉकलेट में कोट करके और इनको अलग प्लेट में ले लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे जो हमारे चॉकलेट बॉल्स हैं सभी तैयार कर लिए हैं, यानी कि ओरियो बॉल्स जो हैं उन्हें चॉकलेट से कोट करके और इसमें हमने प्लेट में निकाल लिया है। अभी हमारे ओरियो बॉल्स सेट नहीं हुए हैं, तो इसको और सुंदर बनाने के लिए अभी हम इस पे कुछ स्प्रिंकल डालेंगे। यहाँ मैंने कुछ ये कलरफुल स्प्रिंकल ले लिए हैं, ये इस पे हम डाल देंगे जिससे हमारे ओरियो बॉल्स बहुत सुंदर लगेंगे। कुछ यहाँ मैंने सिल्वर बॉल्स ले ली हैं, ये हम स्प्रिंकल करेंगे इस पे जिससे देखने में हमारे ओरियो बॉल्स बहुत सुंदर लगेंगे। यदि आपके पास स्प्रिंकल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। तो अभी हम इसे रख देते हैं फ्रिज में आधा घंटा सेट होने के लिए, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ओरियो बॉल्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना।
और जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए इस नई तरह की मिठाई को। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।